हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है जेके बैंक के लिए हमने स्टार्ट किया अपना 50 डेज प्लान, स्टडी प्लान। ये जो मैंने प्लान स्टार्ट किया है, मैंने पहले इसमें आपको कहा था कि हम रिवाइज करेंगे, तो हमने इनइक्वालिटी और नंबर सीरीज अपने कवर कर लिए हैं, जो कि एग्जाम में श्योर शॉट 5-5 मार्क्स के आएंगे। यानी कि अगर आप पहले पुराने लेक्चर हम जब से स्टार्ट किए हमने 9-10 जनवरी से, तो तब से साथ है, तो आपको ये 10 मार्क्स एग्जाम में कोई नहीं छीन सकता। कट के लिए आपको 45 से 55 मार्क्स तक चाहिए होंगे मैक्सिमम। तो अगर आप उसमें से 10 इन दो लेक्चर से ही लेके आ रहे हैं, तो आपको देख लें कितना आपका फायदा होगा। इसीलिए मैंने नए टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले पुराना रिवाइज कर लें। और रिव्यू मैंने देखे, मैंने क्वेश्चन पोस्ट भी किए थे थोड़े से, तो जो होमवर्क वगैरह था, तो मैंने देखा कि मैक्सिमम के ठीक हुए, तो काफी अच्छा लगा देख के कि यार सब इम्प्रूव कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहे। आज जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ नंबर सीरीज में, जो मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको मिसिंग नंबर सीरीज करवाई है। इसका एक और पार्ट आपके पास आएगा जो रॉन्ग नंबर सीरीज का होगा, ये भी एग्जाम में आती है। आज जो मैं आपको करवाऊंगा वो होगा हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आज सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक लेके आया हूँ। कल मैं आपको अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक और रॉन्ग नंबर सीरीज का टॉपिक दोनों प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये भी श्योर शॉट 5 मार्क्स का पीओ में, और 10 से 15 मार्क्स का आपको ये टॉपिक दिखेगा बैंकिंग एसोसिएट में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, किस तरह से करना मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। दूसरी बात मैंने आपको बताना है कि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, ये सिर्फ जेके बैंक टारगेट नहीं है। अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होना है हमारा जेके बीएससी में, और अभी ही हाल ही में जेके एसएसबी की नोटिफिकेशंस आई हैं, थोड़ी मैंने देखी नहीं है ध्यान से, लेकिन इन सब में भी ये टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे। तो जो लोग आपके फ्रेंड्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको आप बता देना कि ये टॉपिक यहाँ से कर लें, काफी इजी हो जाएगा। इस लेवल का एग्जाम में ही क्वेश्चन आएंगे। आज मैंने इसके लिए भी आपको जो कोशिश करी है, आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा थोड़े से एडवांस लेवल के हों, क्योंकि बेसिक के हमने पिछली वीडियोस में कर लिए हैं। आज मैं आपको लेकिन इस भी लेवल के नहीं करवा रहा कि जो सॉल्व ही ना हो, आप करते रहे टाइम वेस्ट करें, मैं आपको वो बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा, उससे फालतू हम कुछ नहीं करेंगे। और 2 या 3 दिन में मैं आपको मॉक टेस्ट के लिए भी बता दूंगा, तो हम डे डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से डे हम मॉक टेस्ट देंगे, और उसका एनालिसिस मैं आपको इसी में समझा दूंगा कि किस तरह की सेक्शन थी या क्या, तो हम काफी अच्छी डिटेल डिस्कशन उस पर भी करेंगे। मॉक टेस्ट सब एक साथ देंगे टाइम सेट करके, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, काफी टाइम है, आराम आराम से करते रहेंगे, सारा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन के साथ। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो क्या करें, पॉज करें और फिर एक अटेम्प्ट खुद, और उसके बाद दोबारा चेक करें कि आंसर क्या है, ठीक है। तो अपने स्कोर बाद में वीडियो के एंड में मेरे को पोस्ट करके बता देना, कमेंट करके, कि कितने ठीक हुए थे आपके। तो जो लोग नए हैं वो पहले या तो पुरानी वीडियो देखें या तो इसी से कंटिन्यू करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करना क्या है, 13% ऑफ 1100 प्लस 17% ऑफ 2100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2600/100 इंटू 350। इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा जो मैंने सिंप्लीफिकेशन के पार्ट वन में आपको बताया था, दो डिजिट वाले मल्टीप्लीकेशन फास्ट किस तरह से करनी थी। अगर आपको याद होगा मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था, अगर आपने वो चीज प्रैक्टिस करी है, आप इसको पूरा सीरियस होके कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको काफी हेल्प होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्योंकि यहां पर आप देखें तो यहां पे सिर्फ उसी का यूज होगा। अगर मैं इसको सीधा 50 से कर देता हूं, 52 और 7 जितना कैंसिल आउट होता है, उतनी कोशिश करनी है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में उसे वहीं पे कैंसिल आउट करने की। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको एग्जाम में पूछा होगा सिंप्लीफाई, तो आप उसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। अब जैसे कि क्या, अगर आप इसको 15 ले लें सपोज, इसको 20 कर दें, इसको 25 कर दें, करने को आप कर सकते हैं उस तरीके से भी, लेकिन अगर आप ऑप्शंस पे एक नजर डालेंगे तो ऑप्शंस आप देखेंगे कि सारे काफी क्लोज है। तो यानी कि आपको इसको एक्चुअल फिगर्स को लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे वो अगर हम बात करें कि मैंने किस तरीके से आपको सिखाया था, 3 1 3 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3, मैं दोबारा इस वीडियो में नहीं सिखा रहा किस तरह से करना है, आप वो वीडियो देख लें, टाइम वेस्ट होगा आपका भी। अब 17 और 21 को किस तरह से करना है, 7 1 7 1 1 1 7 2 14 4 1 5 1 2 1 2 3 3 57 इज इक्वल टू 7 3 7 13 91 सबको पता है। ये सीधा हम इसे ऐड करेंगे अब और उसके बाद देखेंगे क्या हमारा आंसर आएगा। 7 3 10 5 1 6 4 10 500 - 91 ये आ जाएगा हमारा 409। यहां पे अब मैं आपको चीज बताऊंगा जो ध्यान से आपको एक चीज देखनी है, किस चीज की हेल्प हुई, हमारी हेल्प हुई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो डिजिट के मल्टीप्लाई किस तरह से करना है। मैंने आपके सामने भी किया, हार्डली 5 से 6 सेकंड लगेंगे अगर मैं इसको एग्जाम में करूंगा इस क्वेश्चन को सिर्फ। लेकिन अगर आप इसको पूरा वही अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, 7 1 7 1 14 2 1 2 3 7 3 5 इस तरीके से करेंगे हो जाएगा। लेकिन आप कम से कम भी इस क्वेश्चन को अगर कोई इस मेथड से करता है तो वो 5 से 7 सेकंड लेगा, इस मेथड से करता है तो वो 30 से 35 सेकंड लेगा। और इतने में मैं आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस की होगी वो क्वांट का एक क्वेश्चन और कर लेगा और आपसे एक मार्क ज्यादा ले लेगा। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, एग्जाम देते टाइम या प्रैक्टिस करते टाइम आपको इतना फर्क नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम में जब आपके पास 20 मिनट होंगे इस सेक्शन में तो काफी हेल्प होती है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, मैंने आपको ज्यादा फालतू चीजें बताई नहीं है क्योंकि ज्यादा फालतू चीजें दिमाग में रखना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो, अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की उन्हें अभी भी बोलूंगा, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में पुराने लेक्चर का, आप वो लेक्चर देखें और कम से कम भी 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें खुद कि किस तरह से करते हैं, आपका अपने आप इस पे हाथ बैठ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन काफी हेल्प करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को भी इन्होंने बोला होगा एग्जाम में सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन देखने में काफी ऊटपट आंसर लग रहा है लेकिन करने का इसका तरीका काफी सिंपल सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉर्ड मास तो सबको आता ही होगा, ये सेकेंड या थर्ड क्लास में करवाना शुरू हो जाते हैं, तो आज हम इसी को करते हैं। ऑफ है तो बिना टाइम वेस्ट किए x बाय 3 जो जिस तरह से लिखा है उसे इस तरह से लिखते हैं। ये आ गया हमारा। ये आपको मैं अब एक और चीज बताऊंगा, अगर आपको एग्जाम में सिंप्लीफाई बोला है तो अगर इनकेस आपको इस तरह की कोई टर्म दिखेगी और इस तरह की टर्म दिखेगी, मैं आपको बता रहा हूं, और ऑप्शंस में आपको दिखेगा कि कहीं पे डेसिमल नहीं है, तो यानी कि इतना क्लियर है कि डायरेक्ट कैंसिल आउट होता है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि 7 के टेबल में अगर 14 आता है तो आप इसको 7 से डायरेक्ट डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का एक यही एडवांटेज रहता है कि इसमें कैंसिल आउट हो जाता है। अगर मैं इसको बोलूं 7 7 49 4 और दोबारा 7 और ये आ गया हमारा 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1, ये आ गया हमारा 11, यहां पे ये कैंसिल आउट और इसको हम लिख सकते हैं 620, 11 11 जा स्क्वेयर, अगर सबने किए हैं लेकिन आपको याद होगा 121, करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि स्क्वेयर्स और क्यूब लर्न करना काफी जरूरी है क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन में काफी हद तक यूज होते हैं। इंटू 2 242 प्लस एक्स अपॉन 3, सिंपल, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई किसी को भी। अब क्या करेंगे, हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके लिए मैं इसको एक और स्टेप बढ़ा देता हूं, 8 11 में से 4 गए 7, 5 में से गए 378 और ये आया हमारा एक्स अपॉन 3 था वो यहां चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं टाइम किस तरह से कम यूज होना है। आपको पता है 8 3 से जाके ये 378 इससे मल्टीप्लाई होगा, आपने देखा 4 24 आएगा। आप क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन देखेंगे। अब यहां पे तो चलो दो ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए टाइम बचाने के लिए। कभी कभार एग्जाम में आता है कि यहां पे 6 होगा या कोई और होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपने सीधा इतना देखा आंसर मार्क किया, क्योंकि आपको वहां पे स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको वहां पे मिलेंगे कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो।
ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद अपने आप में डेवलप हो जाएंगे कि किस तरह से करनी है। 24/7 3s, अब यहां पे दो हैं तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 7 3 21 34 सेम। 3 3 9 2 11 1 1 3 4 हमारा आंसर। कम टाइम कंज्यूम आपका तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी। ये सबसे सिंपल रूल है, सबसे सिंपल ट्रिक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप खुद इतनी चीजें सीखेंगे जो आपको ना कोई कोचिंग सिखा पाएगी ना ही आपको ऑनलाइन कोई सिखा पाएगा। ऑनलाइन मैं लिमिटेड आपको 10 से 12 क्वेश्चंस करवा सकता हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको करें, लोग करें, बुक रिकमेंड करें। मैं आपको बुक रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो बुक्स आ रही हैं अभी मार्केट में वो पुराने पैटर्न की है। आप आजकल अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ के चल रहा हूं कि आपके पास फोन अच्छा है। आप क्या करें, आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं, सपोज सिंप्लीफिकेशन, आप सिंप्लीफिकेशन बैंक पीडीएफ लिख के अगर गूगल में सर्च करेंगे आपको 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके ऊपर ही। तो इतना ठीक है अभी तक के लिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैंने आपको छोटी छोटी चीजें पहले सिखाई थी, वही सब इसमें यूज होंगी इन क्वेश्चंस को करने में, और जो चीजें नहीं होंगी मैं आपको भी बताऊंगा। अब यहां पे आएगी बात ये, जिन लोगों ने स्क्वेयर करे हैं, क्यूब करे हैं, उन्हें पता होगा इसको किस तरह से करना है। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे 4 है तो यानी कि ये तो सीधा 10 बाहर आएगा, और ये 625 है यानी कि किसकी पावर 4 625 होता है। अगर आपको पता है 5 स्क्वेयर 25, 25 का स्क्वेयर 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625 यानी कि यहां से 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 यहां से बाहर आएगा हमारा 5। ये किस तरह से होगा, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी उस तरह से, कोई इसमें टफ नहीं है। एग्जाम में आपको वो बना के दे सकता है। सपोज अगर मैं बोलूं 6 4 ये, तो आपको पूछेगा कि ये क्या होगा। हमें पता है ये तो चलो 10 का पावर 4 है, 10 0 बाहर आ जाएगा, और ये किसकी पावर 4 है। 64 की जगह इंटू 4 इंटू 4 कर लो, 4 4 16, 4 2 5 6 अगर लिखा हो तो 4 बाहर आ जाएगा। तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां पे आते हैं, अब यहां पे है क्यूब। मैंने क्यूब रूट किस तरह से निकालते हैं आपको वो भी बताया हुआ है। 5 इतना पता है कि लास्ट टर्म 5 होगी, और ये 3 ये किसके होगा, 1 ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहां से हमें क्या मिलेगा, 35। ऑप्शन देखेंगे कोई भी नहीं दिखेगा। लेकिन अब यहां पे एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, एलिमिनेट भी हम तब करेंगे। अब हमें पता 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। पीछे जो लास्ट टर्म होगी, डिजिट होगी, 25 होगी, ये 3 तो कैंसिल आउट। यहां पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, अगर 35 का स्क्वायर पूछा है, लास्ट में 25 होगा और नेक्स्ट स्टेप होगा 3 × 4 यानी कि 1225। इनके 65 का स्क्वायर पूछा होता है, लास्ट दो डिजिट होंगी ये, और यहां हो जाएगा 6 × 7 4225। 85 का पूछा हो, 25 8 × 9 7225। अब ये सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लेना। 35 का पूछा है तो हमें पता क्या होता है, 1225 आंसर मार्क। क्वेश्चन खत्म। ये छोटी छोटी चीजें आपको जो ट्रिक्स वगैरह मैं बता रहा हूं, आधों को पता होगी आधों को नहीं पता होगी। जिनको नहीं पता वो भी सीख लें, जिनको पता है कोई बात नहीं, आप वीडियो के एंड में अपना स्कोर बता देना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए थे इसके बाद। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिंपल आ रहे हैं। मैं आपको मैक्सिमम हेल्प करने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है। अगर आप इन्हें जल्दी सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उसी तरीके से करें। नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो देख लें कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है हमसे इसे सॉल्व करना है, अगर इसकी मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान से देखना। माइनस इन क्वेश्चंस को कई लोग क्या करेंगे, वो पहले इन्हें मिक्स फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शंस बना लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हें करना किस तरीके से होता है। 1 हम इन सबको अलग कर देंगे और सेम साइन के साथ, -2 और यहां पर हम अलग कर देंगे जो हमारी फ्रैक्शंस है उन्हें सेम साइन के साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां सिर्फ 1 बचा। इनके एलसीएम क्या होगा,
देखो अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तो सीधा इनका मल्टीपल जो होगा वो एलसीएम होगा, ये आ जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस 10 माइनस 35, ये बन रहा यहीं पे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में 70, 38 माइनस 35, ये आएगा हमारा 3/70 और 1। ना मैंने इन्हें किसी में सॉल्व करने की ट्राई करी ना कुछ, और ये हमारा ऑप्शन हमारा आंसर। कई कंडीशन में मैं आपको ये भी बता दूं क्या होगा, यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे अगर इनकेस आपको 70 वाला एक ही ऑप्शन दिखता है तो सीधा उसको 70 मार्क मत कर देना, हो सकता है ऊपर कुछ 2/70 आ जाए जो एंड में 1/35 बन जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों का वहां पे भी ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना, पेन आपका उसी टाइम चलना चाहिए जब आपका दिमाग चल रहा है, दोनों पैरेलल चलने चाहिए। ये नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हैं 15 क्वेश्चन है हम 5 मिनट में कर लेंगे, 5 मिनट में आप तब भी कर लेंगे अगर आप इसे आराम से करेंगे तो। अगर इतना क्लियर है, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप मेरे को बता देना कितना स्क्वेयर है आपका स्कोर अभी तक बन रहा है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अगर इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें 1.1 की पावर एक्स उसको फाइंड करना है किस तरह से, यहाँ पे भी स्क्वायर और क्यूब आपके अगर आपको याद है तो काफी हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं किस तरह से, हमें पता है 11 का क्यूब 1331 होता है इंटू 11 का स्क्वायर, और ये जो पॉइंट में है यहाँ पे गिवन, इसको हम 11/100 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और मैं इस 1.1 को अपने लिए 11/10 लिख लेता हूं, और इसको मैं 11/10³ आगे हम इसको किस तरह से करेंगे, आपने एक पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है शायद, जो भी होता है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। यहां पे इसको हम पहले तो फिलहाल इसी तरह से लिख लेंगे, मैं डिटेल में समझा रहा हूं, अपॉन 100 ये यहां पे आ जाएगा, इसको भी मैं लिख लेता हूं 10^2, 10^3 इंटू 11^1, ये 11 ही सिर्फ। अब यहां पे हम देखें ये 11 कैंसिल, और ये जो है ये पावर आर एडिड, ये हो जाएगा हमारे 11^5 और अपॉन 10^5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/10^5, और ये यहां जाके हो जाएगा 1.1^5, और यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। ये आपको मैं बता रहा हूं, इस लेवल के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, कुछ नहीं करना होता, बस आराम से इसे सॉल्व करना होता है बिना पैनिक किए या बिना हड़बड़ाहट में। हम क्या करते हैं कभी कभार 1.1 देखते हैं यार ये 1.1 को किस तरह से करेंगे, तो इसको सिंपल, इसका नाम ही सिंप्लीफिकेशन है। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करें, जो जहां कैंसिल आउट होता है उसे वहीं कैंसिल आउट कर दें, काफी आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी जब अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो यहां पे हम बात करते हैं x³ अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, यहां पे 11 है सॉरी। हमने क्या सीखा है कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, सबसे पहले क्या होता है एलसीएम इंटू x^2 -1331 इंटू 11^2। अब यहां पे अगर मेरे को बताना, मैंने भी पिछले क्वेश्चन में ही करवाया था ये चीज, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो इसको क्या करेंगे हम इस तरह से लिखेंगे x^3 + 1 7/2, ये वाला x हमारा ये हो जाएगा, और इसको भी मैं अगर यहां पे बोलूं तो मैंने अभी बोला कि 11^3 होता है, तो ये 11^1/2 है, तो यहां पे भी सेम एडिशन हो जाएगी 11^3 + 1/2, ये भी हमारा 11/7/2 आएगा अपॉन x^1/2 = 0। यहां तक हमने कर दिया, आगे क्या होगा ये यहां चला जाएगा, तो ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होता है। x 7/2
यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस 11 7/2 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जब वो वहां चला जाएगा तो इज इक्वल टू 11 7/2, पावर्स कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 11। अगर एग्जाम पीओ का है या बैंकिंग एसोसिएट का है, इनसे ज्यादा लेवल ऊपर नहीं जाएगा क्वेश्चंस के। ये पीओ लेवल में आ सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, बैंकिंग एसोसिएट में काफी इजी क्वेश्चंस आएंगे। अब 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं, अपना स्कोर बता देना, सिंप्लीफिकेशन के 6 किए हैं। कल मैं वीडियो में अप्रोक्सीमेशन किस तरह से करनी है डिवीजन में उसका बता दूंगा आपको। क्वेश्चंस का लेवल मैटर नहीं करता, स्पीड मैटर नहीं करती, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि एग्जाम के टाइम पे कितना ही काम होके एग्जाम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आराम से बैठ के भी ये क्वेश्चंस करेंगे, ये 6 क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में एग्जैक्ट यही 6 आते हैं, तो आपको 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे 20 मिनट के पेपर में। अगर आप 3 से 4 मिनट में 6 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आपको 15 मिनट भी अगर हम बोले तो उसमें आप 15 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका स्क्वायर अपने आप 21 प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए मैथ को पैनिक नहीं करना कभी भी सॉल्व करते टाइम, आराम से पेपर करना है जितना हो सके। तो इतना ही रखते हैं आज, कल कोशिश मेरी रहेगी मैं आपको अप्रोक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज करवा दूं। तो अभी तक का जो हमारा टोटल चल रहा है वो हम इनइक्वालिटी के साथ हम बात करते हैं अपनी ये सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। 15 मार्क्स का पेपर आप गारंटी अटेम्प्ट करेंगे और सही अटेम्प्ट करेंगे मिनिमम पीओ में, और बैंकिंग एसोसिएट में तो अगर ये 15 मार्क्स ही आ गए तो आपकी किस्मत काफी साथ देगी, तो 25 मार्क्स का तो यही हो जाएगा सारा। तो इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके गाइज बाय।